मेरा नाम है फैसल मसूद और एज अ मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट जो कुछ आई हैव एक्सपीरियंस वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप इस फेमस कोट में हैं बाय मुस्तफा कमाल अतातुर्क, अ गुड टीचर इज लाइक अ कैंडल, इट्स कंज्यूम इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स। अच्छा, तो इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जून 2018 का है। ये मैंने डिजाइन किया था फॉर द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूज टीवी चैनल इन पाकिस्तान। तो फ्यूचर का तो पता नहीं, तो अभी मैं रहते हैं। सो दिस इज कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट ब्रॉडकास्ट मोशन डिजाइन। अगर आप और वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं रिलेटेड टू ब्रॉडकास्ट मोशन डिजाइन तो अपनी कीमती राह से आगाह कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम करने जा रहे हैं इस पे फोकस, और जो है पाकिस्तान इलेक्शन कैंपेन, आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। ये बात होगी आपकी और मेरे दरमियान बहुत डिटेल में, ठीक है जी? तो डिटेल में हमारे साथ बात होगी इसमें, और आई चलते हैं सैनमा 40 पे। और सैनमा 40 पे आने के बाद बेसिकली ये शॉर्ट वन है, तो शॉर्ट वन बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हुआ हुआ बेसिकली क्या है। कुछ भी नहीं, सिंपल क्यूब लिया हुआ मैंने, ये देख रहे हैं आप, सिंपल क्यूब है और सिंपल स्वीप एनिमेट किया हुआ मैंने और नथिंग एल्स। और ये देखें लिटिल बिट हमारा कैमरा एनिमेट हो रहा है और कुछ भी नहीं है, और सिर्फ टेक्निक है। कंपोजिट में मैंने काफ़ी इस पर खेला हुआ गेम, ठीक है? तो लोग कह रहे थे कि डिटेल, तो हम डिटेल पर बात करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब ऐसा है कि ये अब हम आ गए हैं अपने शॉट वन पे, और सिंपली मैंने क्या करा हुआ है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, और हाइड करने के बाद ये मेरे पास क्यूब है, ठीक है? क्या करा हुआ मैंने, सिंपल ये मैंने क्यूब लिया हुआ है, ठीक है, सिंपल, जो कि हम यहाँ पर आते हैं अपने शेप्स पे, और यहाँ से मैंने क्यूब ले लिया, ठीक है? क्यूब लेने के बाद मेरे पास ये शेप मेरे पास आ चुका है, जो कि साइज़ आप एक्स वाई जी देख सकते हैं कि 298.6 सेंटीमीटर और वाई 298.6 सेंटीमीटर और वो जेड जो है 298.6 सेंटीमीटर है। सही, तो बेसिकली मेरा मकसद ये बिल्कुल बैलेंस रखने का ये था कि जो मैंने स्वेप एनिमेट किया हुआ है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। अच्छा, तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ जो स्वेप है, हम इसको सोलो कर लेते हैं, ठीक है? सोलो करने के बाद ये देखें, ये मेरे पास, हम स्वेप को हटा, ये आप देख रहे हैं तो ये शेप जो है, ठीक है, ये जो शेप है ये किस तरह आया हुआ है। अच्छा, तो इसको हम, ठीक है, तो ये शेप हुआ है किस तरह आया हुआ है, तो इसी को बैलेंस रखते हुए मैंने क्यूब का वही सेम साइज मैंने लिया हुआ था, और इसको हम सोलो ऑफ कर देते हैं, तो देखिए वही शेप हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या करा कि आप ये देखें, ये मैंने सिंपली ये जो स्वेप है इसको मैं आपको बताऊंगा मैंने एनिमेट किस तरह करा है। तो इसी शेप को मैं आपको एक नई व्यू पोर्ट पर लेके जाता हूँ और वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एनिमेट किस तरह किया था। और यहाँ हम लेते हैं सेम जैसे कि हमने अपने प्रोजेक्ट में रेक्टेंगल लिया हुआ है, और लेते हुए मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको स्केल डाउन कर देता हूँ, ठीक है? और मैं आ जाता हूँ अपने स्वेप पे और इन दोनों रेक्टेंगल को मैं ड्रैग और ड्रॉप कर देता हूँ स्वेप पे, ठीक है? तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने स्वेप का इन दोनों रेक्टेंगल्स को चाइल्ड बना दिया और ये हमारे पास शेप कुछ इस तरह का आ गया। तो देखिए एज इट इज़ वही चीज़ हमें मिल गई है, ये देखें आप, ठीक है, वही चीज़ हमें मिल गई है, ठीक है? अच्छा, अब क्या करेंगे इसको एनिमेट जिस तरह इसमें हुआ हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, अब हम इसको एनिमेट करेंगे, ठीक है? एनिमेट किस तरह होगा और इसको हम यहाँ देख लेते हैं, ये देखें सिंपल मैंने एनिमेट इस तरह करा हुआ है, सिर्फ सिंपल सा एनिमेट हुआ हुआ ये, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया कि ये सिंपल सा एनिमेट है और मैंने कीज लगा दी। फॉर एग्जांपल ये हम लगाते हैं 30 पे,
और ये हम लगाते हैं 41 पे, ठीक है। अब ये देखें, ये वही एनिमेशन है जो इस प्रोजेक्ट में हुई हुई है, तो उम्मीद है ये आप लोग को समझ में आया होगा। और सिंपल शेडर लिए हुए मैंने, जो कि मैंने वो मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड पे बताऊंगा, तो अभी फिलहाल हम 3D पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि ये एनिमेट किस तरह हुआ हुआ है, और सिंपल मैंने कैमरा लिया हुआ है। अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि वो मैं किस तरह इसके रिग बनाता हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह एनिमेट हो रहा है। अच्छा, अब ये है कि मैंने यहाँ लाइट्स लगाई हुई हैं, और ये जो लाइट है मैंने यहाँ लगाई हुई है एक लाइट, और एक लाइट यहाँ थोड़े से कि स्पेकुलर्स हमारे पास क्रिएट हो जाए। ये कंपोजिट में ही काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे इस चीज़ की। तो कैमरे को हम एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद ये देखें, शेप कुछ इस तरह से आ रहा है मेरे पास। कैमरा आप देख चुके हैं कि मैंने कैमरे को किस तरह एनिमेट किया हुआ है, कि आगे जाके मैं आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दूंगा। तो ये कुछ इस तरह ये इफ़ेक्ट्स बन रहे थे, ठीक है जी। अब ये हमारे पास इफ़ेक्ट बन गए हैं। अब हम आते हैं अपने शॉट टू पर। देखिए सिंपल सा क्या हुआ, मैंने ऐसा कोई ख़ास नहीं है। और ये देखें, अगर आप कंपोजिट वाला सेक्शन देखें तो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, अब बेफिक्र हो जाए, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा जब मैं कंपोजिट एपिसोड पे हम आएंगे डिटेल में कि किस तरह मैं ऑब्जेक्ट्स लेकर आया था, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने शॉट टू पे। अच्छा जी, तो अब हम शॉट टू पर आ गए हैं, और शॉट टू कुछ इस तरह से है कि ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको हम कैमरे को अनएक्टिव करते हैं। देखिए फर्स्ट शॉट में मैंने क्या किया हुआ था कि ऊपर मैंने स्पेकुलर्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए थे, और लाइट एरिया लाइट लगाई हुई थी मैंने, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इधर आता हूँ, मुझे ये वाला शॉट चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लाइट क्रिएट करी कि मेरा थोड़ा प्रोजेक्ट हल्का भी रहे। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये एनिमेट किस तरह हुआ हुआ है। कैमरा हमारा अनएक्टिव है, और देखिए कैमरे की एनिमेशन चेक करके मैंने इसको टारगेट किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है, और उसको टारगेट किया हुआ है कि यहीं मेरे पास शॉट बने। सेम मैंने क्या करा हुआ है कि वही शेप्स मैंने, ये देखें वही शेप जो मैंने एनिमेट करे थे, वही शॉट जो मैंने एनिमेट जो मैंने आपको दिखाए। अच्छा देखिए, जो मैंने एनिमेट किए थे ये वाले, ये एज इट इज़ वही शॉट्स हैं, ये वही स्वीप नर्व्स हैं जो मैंने यहाँ पे एनिमेट करे हुए, और यहाँ पे मैंने ऑफसेट करके लगा दिए। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें, इसको मैं कैमरा एक्टिव करता हूँ, देखता हूँ अब क्या। ये देखें, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि ये स्वेप में मैंने कॉपी ली हुई है, और शेडर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन पे लगा दिया है, ठीक है। और क्यू को मैं एक्टिव करता हूँ, और ये देखिए उसको मैं रेंडर करता हूँ, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। कंपोजिट में मैंने बहुत सारा काम किया, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ये चीज़ हमारे पास बेसिकली शॉर्ट टू में हुई हुई है। ठीक है, तो अब ये है कि मैंने शॉट टू पे मैंने आपको बता दिया है कि C4D पे मैंने क्या क्या चीज़ें करी, रिग किस तरह बनी, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं अपने शॉट थ्री पे, और शॉट थ्री पे मैंने क्या करा है ये मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, अब शॉट थ्री को मैं कैमरे को हाइड कर देता हूँ और क्यूब को मैं हाइड कर देता हूँ और देखता हूँ। देखिए मैंने क्यूब के अंदर मैंने वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। अब वही जो मेरे पास स्ट्रोक्स एनिमेट मैंने किए हुए हैं, जो कि हम जिसके स्वीप कहते हैं, वो मैंने क्यूब के इनर लेकर आ गया हूँ, जो इनर एनिमेट हो रहे हैं, और कैमरा मैंने वहाँ पर बना दिया। अब देखिए कैमरा किस तरह एनिमेट हो गया था, स्मूथली मूव हो रहा है, और मैंने टारगेट बना दिया है, और टारगेट आप देख रहे हैं कि मैंने क्या रखा हुआ है। चले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने टारगेट क्या रखा हुआ है। ये हमारे पास टारगेट है नल वन, देखिए ये हमारे पास आ रहा है, इसको मैं क्यूब कर देता हूँ। ये रहा, इसको अगर हम क्यूब को ये देखें आप, ये देखें बेसिकली मैंने क्या करा, ये टारगेट बना दिया मैंने, ठीक है। ये जैसे देख सकते कि मैंने ये टारगेट बनाया हुआ, ये देखें, ठीक है। तो ये टारगेट बनाया हुआ मैंने, और टारगेट हो रही है और ये एनिमेट हो रहा है। मैं क्यूब को अनहाइड करूंगा और कैमरा एक्टिव करूंगा तो हम इसके अंदर चले जाएंगे, तो कुछ इस तरीके। अच्छा ये कैमरा थोड़ा सा हिल गया है हमारे पास, तो हम इसको अनडू करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनिमेशन हमारे पास थी, जो कि ये हम देखते हैं इसको, ये वाला शॉट। बाकी रही कंपोजिट की, वो मैं आपको आगे अपने अगली एपिसोड में बताऊंगा। तो सिंपल सी ये एनिमेशन थी हमारे पास, जो कि मैंने करी थी। और रही बात शॉट फोर की, तो शॉट फोर पे भी आ जाते हैं। ये है हमारा शॉट फोर, वही सेम एनिमेशन क्यूब के इनसाइड मैंने करी हुई है, और वही कॉपी पेस्ट मैंने किया हुआ है। तो इसको बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इस सिंपल आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो उम्मीद है गाइस ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश करी कि आपको डिटेल में बताऊं। इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, इस टाइटल में आपको कुछ डिटेल बताऊँ, क्योंकि बहुत सिंपल था। और रही बात कंपोजिट की, तो उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इस एपिसोड में मैंने आपको 3D का ओवरव्यू ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया कि ये मैंने किस तरह अचीव किया था। लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि ये कंपोजिट में ये आपको काफ़ी हेल्प देगा ये प्रोजेक्ट, और ये जब नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर करूंगा तो कंपोजिट आपको लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी इसमें। सो जाने से पहले सब्सक्राइब का जो बटन है वो प्रेस कर दें। मिलते हैं अपनी अगली एपिसोड पर।